5 में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा तो आप गोवा में स्कैम का शिकार हो जाओगे, यानी फंस जाओगे, मींस आप लूट जाओगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए लेट्स गो। तो चलिए मैं आप लोगों को गोवा की एक और घटना बताती हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से गोवा में स्कैम का शिकार बन सकते हैं और लूट सकते हैं, तो और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरी फ्रेंड को गोवा घूमने का मन था, उसने मुझको कॉल किया, यार मेरा गोवा घूमने का मन है, मैं गोवा आ रही हूँ, तुम मेरे लिए रूम बुक कर दो। तो मैंने बोला कि ठीक है, हो गया, मैं रूम बुक कर देती हूँ। वो शाम को गोवा एयरपोर्ट पे पहुंची और मैं एयरपोर्ट के पास से उसको रूम बुक कर दी और दूसरा 3-स्टार होटल मैंने उसको बागा बीच के पास 5 डेज के लिए 15,000 रुपए में बुक कर दिया। जिससे मेरी फ्रेंड गोवा पहुंची उसी दिन नाइट में उसको एक कॉल आता है कि मैडम मैं ओयो से बोल रहा हूँ, आपकी जो बुकिंग 15,000 रुपए में थी वो अब 12,500 रुपए में हो गई है। आपके लिए ओयो की तरफ से ऑफर है, आपको बुकिंग के लिए दूसरी आईडी बनानी पड़ेगी। तो मेरी फ्रेंड ने बोला ठीक है, आप बुक कर दो। दूसरे दिन जब वो बागा बीच वाले होटल में पहुंची तो रिसेप्शनिस्ट ने उसको रूम नंबर बताया और रूम की दिया, वो लोग अपने रूम में पहुंच गए। उसके बाद मेरी फ्रेंड को एक कॉल आता है कि मैडम मैं ओयो से बोल रहा हूँ, आपकी पेमेंट ओयो की तरफ से हो गई है, आपके नंबर पे मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उस लिंक के थ्रू आप पेमेंट कर दीजिए। मेरी फ्रेंड बोले ठीक है, लेकिन वहाँ नेटवर्क इशू था इसलिए मेरी फ्रेंड पेमेंट नहीं कर पाई। उसने मुझे कॉल किया कि यार मेरे फोन पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं तुम्हारे फोन में एक लिंक शेयर कर रही हूँ, तुम उस लिंक के थ्रू ओयो को पेमेंट कर दो। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि अगर तुम्हारे पास कैश या कार्ड है तो तुम रिसेप्शनिस्ट के पास जाके कर दो। तो फिर मेरी फ्रेंड ने उसी नंबर पे कॉल किया जिस नंबर से उसको कॉल आया था कि अगर आपके पास फोन पे या गूगल पे हो तो आप बताओ नंबर, मैं उससे उसमें कर देती हूँ या रूम के पास आ जाओ, मैं आपको कैश दे देती हूँ। तो उसने बोला कि मैडम मेरे पास फोन पे या गूगल पे नहीं है, आपको मैंने जो लिंक सेंड की है आप उसमें से पेमेंट कर दीजिए। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया कि यार उसके पास फोन पे या गूगल पे नहीं है और कार्ड स्वाइप नहीं हो रहा था तो तुम पेमेंट कर दो। तो मैंने बोला कि ठीक है, तुम वो लिंक जो दी हो मैं उसे करती हूँ। जब मैंने वो लिंक देखा तो उस लिंक में सिर्फ HTTP लिखा हुआ था, वो लिंक सिक्योर नहीं थी क्योंकि जो लिंक सिक्योर होती है उसमें HTTP यस लिखा हुआ होता है। फिर मुझे डाउट हुआ और मैंने अपने फ्रेंड को कॉल लगाया, मैंने बोला कि तुम रिसेप्शनिस्ट के पास जाके पता करो कि तुम्हारी पेमेंट हुई है या नहीं। तो उसने जब रिसेप्शनिस्ट के पास जाके पता किया तो उसको ये पता चलता है कि तुम्हारी पेमेंट हो चुकी है और कोई बंदा आके तुम्हारी पेमेंट कर गया है। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया तो मैंने उसको बोला कि तुम अपने नंबर पे जिस नंबर से कॉल आया था तुम मुझे वो नंबर दो। उसने मुझे नंबर दिया और मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला मैं पुलिस से बता दूंगी, नहीं तो तुम गूगल पे फोन पे अपना अकाउंट नंबर बताओ, नहीं तो मैं पेमेंट नहीं करूंगी। फिर उसने बोला कि ठीक है मैं अपना अकाउंट नंबर बताता हूँ, उसने अकाउंट नंबर बताया और फिर मैंने उसके अकाउंट नंबर पे उसको पेमेंट किया। अगर मेरी फ्रेंड के पास नेटवर्क इशू ना होता तो वो उस लिंक के थ्रू उसको पेमेंट कर देती और उसका जो यूजर आईडी है और पासवर्ड है उन लोगों के पास चला जाता और वो लोग उसके अकाउंट से सारा पैसा निकाल लेते और उसको पता भी नहीं चलता। गोवा में ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, इसलिए आप ऐसे किसी भी कॉल का आंसर न दें और आप जिस एप्लीकेशन से रूम बुक करें उसमें चेक करें कि ऑफर है या नहीं और आप उसी एप्लीकेशन में जाके पेमेंट करो या फिर कैश या कार्ड पेमेंट करो और बिना सिक्योर वाली लिंक में जाके आप कभी भी पेमेंट मत करिए। बिना सिक्योर वाली लिंक वो होती है जिसमें सिर्फ HTTP लिखा होता है और सिक्योर वाली लिंक वो होती है जिसमें HTTPS लिखा होता है। तो ये आता है कि लोगों को नंबर कहाँ से मिला होगा, तो आई थिंक ये होटल के ही एम्प्लॉय होंगे या फिर ये होटल से जुड़े होते होंगे और ये भी हो सकता है कि शायद ये ओयो के भी हो सकते हैं, इसलिए आप इन लोगों से बचकर रहिए, बच के रहना इन लोगों से। आज का वीडियो आप लोगों के नॉलेज के लिए था। अगर आपने स्कैम सीरीज के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन वीडियो को आप वॉच करिए क्योंकि गोवा जाने से पहले आप लोगों के लिए ये जानकारी देखना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।